Hello friends, welcome back to my channel Pabla Cuisine, Feel the Magic of Homemade Food. So, आज दी वीडियो दे विच मैं थानू पाइनएप्पल पेस्ट्री बनाना सिखाऊंगी, एगलेस पेस्ट्री बनावांगे. ये बहुत ही मज़ेदार पेस्ट्री बनती है, बहुत ही मॉइस्ट डिलिशियस, बिल्कुल बेकरी स्टाइल पेस्ट्री है, जिवें आपां इंडिया च स्पैशली बेकरी तो खरीदी दियां सीगियां. सेम उही टेस्ट मिलेगा, उही टैक्सचर होगा, उही स्वीटनेस, उही सॉफ्ट मॉइस्ट, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस पेस्ट्री बनती है घर च और बिना आंडे तो बनावांगे. बहुत मज़ेदार रेसिपी आ, सिंपल इनग्रीडियंट लैके आई हाँ, मैं सिंपल तरीके बनाना सिखाऊंगी. सो इनग्रीडियंट लिस्ट अपने को आ गई है जी. जे इसे लिस्ट नूं तुसी फॉलो करदे हो तां तुसी 6 पीपल्स नूं इह सर्व कर सकदे हो, मतलब कि 6 पीस तुसी इस रेसिपी तो बना सकते हो. ठीक है जी, जे ज़्यादा बनाने रेसिपी नूं डबल कर दिओ, घट बनाने तो इसी तुसी जिहड़ी इनग्रीडियंट्स ने इहनूं हाफ कर दिओ. ठीक है जी, चलो फिर बिना देर किते शुरू करदे हां आपां पेस्ट्री बनाउणा. सो सब तो पहला मैं इनग्रीडियंट थानू दिखा दूंगी जो जो मैं लै रही हूँ. तो बेकिंग पैन लै रही हूँ इस तरह का, मैं आ देखो उस मैं बटर लगा के इस तरह का पेपर लगा दिता सी, बटर पेपर में. सो ऑल परपज़ फ्लावर है जी मेरे को 2 कप, मिल्क है जी मेरे को 1 कप, योगर्ट है जी मेरे को 1 कप, रूम टैंपरेचर पर लैना है 1 कप ही मेरे को शुगर है, 1/2 कप मेरे तो वैजीटेबल ऑयल है, अ पिंच सॉल्ट है मेरे को, एक चुटकी नमक आ, वनीला एसेंस है, देखो चेरीज ने उपर टॉप ते मैं डेकोरेट करने लिए थोड़ियां जिहियां, बेकिंग सोडा इहदे विच इस्तेमाल करांगे 1 टीस्पून, ते बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करांगे 2 टीस्पून. ठीक है जी, एक केन में तो इस तरह का पाइनएप्पल स्लाइसिस हुंदे ने, इहदे विच चाहे तो पीस लै लो, स्लाइसिस लै लो, इस तरह का तुसीं लै लेना है. सो इत्थे विप क्रीम है जी मेरे तो, शुगर हैगी है पाउडर शुगर जिहदी आपां आइसिंग करांगे इहदी. ठीक है जी, सब तो पहले एक बोल दे विच मैं रूम टैंपरेचर योगर्ट पा लूँगी 1 कप, दही जाने के 1 कप, इनू चंगी तरह मिक्स करांगे, उहदे विच आपां शुगर ऐड करांगे 1 कप, ते इनू चंगी तरह मिक्स कर लांगे. हुण इस टाइम ते तुसीं अपना जिहड़ा आवन आ 350 डिग्रीज़ ते प्री हीट रख देना आ, तुसीं कर देना. ठीक है जी, वैजीटेबल ऑयल 1/2 कप ऐड कर दिता आ. सो 10 to 15 मिनट लिए प्री हीट ओवन कर लेना है 350 डिग्रीज से. हुण आपां इहदे विच मिल्क ऐड करांगे 1 कप, ते मिक्स करांगे चंगी तरह. सो जिन्ने भी वैट इनग्रीडियंट सीगे ते शुगर ड्राई इनग्रीडियंट वो आपां मिक्स करते हैं. हुण एक छन्नी दे विच इस तरह आपां 2 कप जिहड़े ऑल परपज फ्लावर वो लवांगे, 1 पिंच सॉल्ट लवांगे, बेकिंग पाउडर पावांगे 2 टीस्पून, ते 1 टीस्पून बेकिंग सोडा पावांगे. ठीक है जी, इनू हुण आपां छान लेना आ चंगी तरह, इस तरह 1/2 करके, ते मिक्स करदे जाना आ अपने वैट इनग्रीडियंट्स दे विच. आ देखो मैं इको बारी छान लैंदी हाँ, तुसीं जां तां छान के रख लो ते थोड़ा थोड़ा पा के मिक्स करो ताकि इहदे विच जिहड़ियां गंढां ना बन. ठीक है जी, एक स्मूथ जिहड़ा अपना बैटर तैयार हो गया. देखो हुण जे इत्थे तुहानूं थोड़ा जिहा हार्ड लगता ना, जे तुहानूं लगता है कि थोड़ा जिहा मिल्क पाउण दी लोड़ आ, तां थोड़ा जिहा तुसीं इहदे विच मिल्क ऐड कर सकदे हो, लाइक 2 to 3 टेबल स्पून. ठीक है जी, मैं भी थोड़ा जिहा ऐड कीता सी एक्सट्रा 1 कप, तो तुसीं भी कर सकदे हो. वनीला एसेंस ऐड करांगे 1 टीस्पून, चंगी तरह मिक्स करांगे. तुसीं चाहो तो पाइनएप्पल दा जिहड़ा फ्लेवर्ड एसेंस आंदा उह वी तुसीं इस्तेमाल कर सकदे हो. ठीक है जी, एक्स्ट्रा उन्हूं पाइनएप्पल फ्लेवर देने लिए पर लोड़ नहीं हुंदी, इन्ना ही इनफ आ. सो आपां बेकिंग अपनी ट्रे दे विच इहनूं पा देंगे इस तरह, तुसीं इहनूं चंगी तरह फैला लेना सारे पासे ताकि ईवनली जिहड़ा बैटर साडा चला जाए सारे कोनियां दे विच इस तरह. आ देखो ठीक है जी, हुण आपां इहनूं बेक करांगे. प्री हीट ओवन असीं कर दिता सी 350 डिग्रीज़ ते, हुण मैं इहनूं बेक करना रख दूंगी. सो मेरे तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के विच ये बेक हो गया है, थोड़े 5 मिनट ज़्यादा या घट भी लग सकते. देखो मैं तुहानू दिखाऊंगी, तकरीबन 10 to 15 मिनट ही होए हजे, थोड़ा कच्चा आ पर राइज होना शुरू हो गया है. सो अगेन हुण मैं तुहानू दिखाऊंगी, तकरीबन 20 to 25 मिनट हो गए आ, आपां हुण चैक करांगे टूथपिक की सहायता ना कि पक गया कि. आ देखो तुसीं देख सकते हो बिल्कुल साडा केक रेडी आ. हुण इस टाइम पर मैं ओवन बंद कर दूंगी, ते 3 to 4 मिनट लिए मैं बंद ओवन दे विच ही इहनूं रखूंगी. हुण मैं कढ लिया, बिल्कुल डन आ, तुसीं देख सकते हो कितना सोहना गोल्डन कलर आ गया. इहनूं हुण कंप्लीटली असीं ठंडा करांगे. ठीक है जी,
जब तक वो ठंडा होंदा आप अपनी जी आइसिंग है वह तैयार कर लें। इस तरह मैं पाइनएप्पल जे इदा के केन से ये वे चंक्स से पाइनएप्पल के मैं उन्होंने बरीक बरीक कट लिया तो उन्होंने जूस जोड़ा वो अलग कट लिया। ये भी सीटना नहीं है सारा कुछ इस्तेमाल करना। चैरीज़ ने थोड़े जे चंक्स मैं रख ले पाइनएप्पल के। विप क्रीम आ जी मेरे को इतने पाउडर शुगर आ वनीला एसेंस इस्तेमाल करा ये तीन कप टोटल मेरे तो विप क्रीम सी इत पाउडर शुगर 1 to 1/2 cup ठीक है जी। वनीला एसेंस लोड़ आ तो पा लो जे तुसी नहीं लाइक करते तो इन स्किप भी कर सकते हो। वनीला एसेंस हूँ ऐड कर देवे विपिंग क्रीम बिच तो पाउडर शुगर जी थोड़ी थोड़ी करके आप पावे। देखो हूँ इस तरह इनू एक बीटर की सहायता आप बीट करा। सो स्टिफ जड़िया पीक्स ने वह होनिया चाहिए आ ओवर विप नहीं करना इनू उन्ना ही विप करना आ जिन्ना कि थोड़िया जड़िया स्टिफ पीक्स बन जाए ठीक है जी। सो तुसी शुगर जी ये आइसिंग शुगर इस्तेमाल करनी है वो तुसी वध घट भी अपने टेस्ट के हिसाब ना पा सकते हो ठीक है जी। मैं इतने 3 cup विपिंग क्रीम दे विच तकरीबन 1 cup और 1 and 1/2 cup इस्तेमाल की सी। हुण इहनू इस तरह विप करांगे आपां चंगी तरह सारे पासे आपां इहनू घुमा घुमा के विप करना है ताकि ईवनली विप हो जाए अपनी। तो ये सिंपल फ्रॉस्टिंग हैगी है इन्हें तुसी फ्रूट्स के नाल भी सर्व कर सकते हो इसे फ्रॉस्टिंग वनीला फ्रॉस्टिंग। देखो अजे थोड़ी जी होर इनू स्टिफ करन दी लोड़ है थोड़ी सॉफ्ट है थोड़ी होर इनू स्टिफ कर। देखो जी तुसी देख सकते हो देखो स्टिफ पीक्स बननिया शुरू हो गई है इहदा मतलब जिहड़ी अपनी विप क्रीम है हुण परफेक्टली विप्ड हो गई है। देखो अपनी आइसिंग ले तुसी देख सकते हो बिल्कुल एन खड़िया हुई पीक्स में थोड़ा जहा होर करो इस तरह की विप चाहिए है। सो जी फ्रॉस्टिंग अपनी डन हो गई है हुण आपां फ्रॉस्ट करना शुरू करेंगे। साडा केक भी एन चंगी तरह ठंडा हो गया है वनीला स्पॉन्ज जिहड़ी बनाई सी आपां। देखो बस ये तो ज़्यादा नहीं हुण आपां विप करना। देखो मैं थोड़ा दिखाऊंगी बिल्कुल थोड़ा जो वनीला स्पॉन्ज है ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए आ थोड़ा जहा भी ये गर्म होया तो थोड़ी जिनी भी तुसी आइसिंग इनू लानी है वो सारी मेल्ट हो जानी है फिर वो चीज़ का स्वाद नहीं रहना ना ही वो टैक्सचर बनना है पेस्ट्री का ना ही वो स्टेबल रहनी है ठीक है जी। देखो तुसी देख सकते हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनया है यह केक और बिना अंडे तो ठीक है जी सारे लोग इंजॉय कर सकते हैं स्पेशली जड़े एग नहीं खाते पर तुसी देखोगे बनाओगे ना जो खा के देखोगे बिल्कुल कोई फर्क नहीं लगता एग ना या पाउण ना या ना पाउण। इस तरह मैं जी दो हिस्सों के डिवाइड कर दूंगी तुसी देख सकते हो देखो कितनी सॉफ्ट स्पंज बनी है देखो अंदरों कितना सोहना यह बेक होया। सो इस तरह मैं इनू दो हिस्सों च कट लिया सी ईवन ईवन कट्टना आ वध घट नहीं होना चाहिए इस तरह। हुण मैं साइडां तो जिहड़ा हार्ड जिहड़ा क्रस्ट आ जां थोड़ा एक्सट्रा पार्ट सी वह भी ला दूंगी ताकि सारा इक्वली बराबर होवे। सो इत्थे मैं इन्हां नू जिहड़े मैं दो पार्ट्स कट्टे ने उन्हां नू भी विचों स्लाइस कर लूँगी इस तरह कर लेना उहदे भी दो हिस्से कर लेने आ। सो तुसी तीन लेयर भी बना सकते हो चार लेयर भी बना सकते हो तुहाडे ते डिपेंड करदा। सो मैं इत्थे चार लेयर की जिहड़ी पेस्ट्री बना रही हाँ ठीक है जी इहदे नाल पीस थोड़ा बड़ा बनता आ बट तुसी चाहो तो तीन लेयर आ भी बना सकते हो। सारे साडे पीस ईवनली बराबर हो गया देखो इस तरह दो हिस्सों आपां कट लिया आपां देखो कितना ब्यूटीफुल इनसाइड तो यह कुक होया। इसी तरह मैं जो दूजा हिस्सा कट्टिया सी उहनू भी मैं इस तरह दो हिस्सों के विच कट लूँगी। सो अपनियां जिहड़ियां चार लेयर हैगियां आ वह रेडी हो गई। हुण आपां इहनू आइसिंग इहदी करना शुरू करांगे। मैं इसी तरह पैन जिहड़ा आ रख लिया सी इहदे उत्ते ही आपां आइसिंग करांगे। तुहानू जरूरी नहीं आ बहुत ज़्यादा
ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਵਨ ਜੇ ਟਰੇ ਹੈਗੀ ਲੰਬੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਸੋ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੌਂਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਇਸਟ ਰਹੂਗੀ ਸੌਫਟ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਪ ਕਰੀਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਇਹਦੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਚੰਕ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਈਨਐਪਲ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਪ ਕਰੀਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਪ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਈਵਨਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਪਰੈਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਹਰਾਉਣੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਚੰਕਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਨਐਪਲ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਪ ਕਰੀਮ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਪ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਥ੍ਰੀ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਈਵਨਲੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿਪ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਪ ਕਰੀਮ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪਾਊਂਗੀ ਵਿਪ ਕਰੀਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਪ ਕਰੀਮ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਿਓ ਘੱਟ ਲਾਉਣੀ ਘੱਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਵੇਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਨੀ ਹੀ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰਲੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਪ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਵਨਲੀ ਹੋਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਵਿਪਡ ਆ ਕਰੀਮ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਕਸ ਪੀਸਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਇਹਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਸਟਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਉਂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
स्टार बना लो, रोज़ बना लो, या फिर सिंपल एवं विप क्रीम के नाल सर्व कर दो। मैं इस तरह बना लूँगी 3 roses। हुण मैं मिडल दे विच एक एक चैरी रखूँगी, इहदे नाल होर भी ब्यूटीफुल लुक इहदी बन जूगी, देखण नूं भी सोहणा लगेगा ते बिल्कुल जिदा बेकरी स्टाइल पेस्ट्री हुंदी आ सेम उस तरह की लगेगी। थोड़े जे जिहड़े मैं पाइनएप्पल चंक्स सीगे बचा के रखे वो थोड़े जे साइडां ते लगा दांगे, तुसीं देख सकदे हो किन्नी ब्यूटीफुल लग रही है। सो इस तरह बनायो, बहुत सिंपल तरीके ने मैं थानू बनानी सिखाई है, उन्नी ही मज़ेदार आ, तुसीं देख सकते हो फाइनल लुक इहदी बिल्कुल रेडी आ। हुण आपां इहदे पीसिस कट लाँगे इस तरह। सो एक बार कट के नाइफ साफ कर लेनी है, नाइफ साफ करके फिर सैकेंड स्लाइस जिहड़ी आ उहदी कट्टणी है, ठीक है जी। उहदे नाल की है फिनिशिंग जिहड़ी इहदी आ नाइस वधिया आऊगी, सोहणी लगेगी लुक देखण नूं, नहीं तो फिर थोड़ा मैसी जिहा लगेगा पीस, उन्ना वधिया नहीं लगना, उन्ना प्रोफेसनल नहीं लगना है, ठीक है जी। तुसीं देख सकते हो जदों मैं कट रही हूँ कितनी सॉफ्ट है। सो मेरी तो मेरे घरदियां दी तां बहुत फेवरेट आ, आई होप थोड़ी भी फेवरेट होगी ते तुसीं इंजॉय किया होगा इस वीडियो नूं। आ देखो फाइनल लुक इहदी, आ देखो अंदरों जिहड़ियां आपां लेयर्स लगाईआं सी इस तरह। बनाओ, बना के फैमिली फ्रेंड्स दे नाल इंजॉय करो, शेयर जरूर करया करो वीडियो, ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करया करो, डू लाइक शेयर कॉमेंट, सबसक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ पावला कुजीन। ऑलसो तुसी मैंने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो पावला कुजीन ते, ते बैल आइकन जरूर दबाया करो ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है सब तो पहला थानू मिल सके, ते कॉमेंट करके दस्या करो तुसी होर की बनाउणा सीखना चाहते हो, जे कोई गलती भी हो जाती है वीडियो दे विच वो भी दस्या करो ताकि मैं उन्हें होर इंप्रूव कर सकां ते थोड़े लिए होर वधिया वधिया खाने होर वधिया वधिया रेसिपी सिंपल तरीके नाल लिया सकां। सो स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, सी यू इन द नैक्सट वीडियो, बाय बाय, इंजॉय।